हेलो ब्रेंड, नमस्कार। इस समय की अगर जो सबसे बड़ी समस्या युवा वर्ग और पुरुषों में देखी जाए तो नामर्दानगी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो स्पर्म काउंट या एजो स्पर्मिया, या यूं कह लें कि नपुंसकता होता जा रहा है। सेक्सुअल टाइमिंग बिल्कुल कम होती जा रही है। बहुत तेजी से प्री मेच्योर एजिकुलेशन होता जा रहा है। वीर्य स्खलन बहुत फास्ट होता है, जिसके वजह से मरीज बहुत ही मानसिक रूप से डिप्रेशन में चला जाता है। अवसाद तक लोग चले जाते हैं और लोगों को इतना ज़्यादा ना वीकनेस लगता है, मेंटली वीकनेस हो जाता है कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी समस्या क्यों हो रही है। और कुछ बेचारे जो समाज में, परिवार में थोड़ा प्रताड़ित भी होते हैं, वो और ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ साथ मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर जो कहीं उन्हें ताना मिल जाता है कि 2 साल हो गया, साल भर हो गया, इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या ये बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, इस तरीके की जो है ताने अगर जो उसको मिलते हैं तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे तमाम भाई बंद जो कि बहुत सारी दवाइयाँ करा चुके हैं और उनकी नामर्दानगी दूर नहीं हो रही है, तो मायूस ना हो। किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आप डेमियाना का प्रयोग करें, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और यदि आपको ये दुर्बलता अगर जो बैड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन की वजह से आई है, या पुराने समय में जो है कुछ गलत लोगों के संगत में पड़ने की वजह से यदि आपका जो है शारीरिक क्षमता कमजोर हो गया है, तो भी ठीक हो जाएगा। आपकी टाइमिंग, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सारी समस्याओं का समाधान होगा। बशर्ते आज से ही कुछ ये चीज़ें को जो है आदत में लें और बुरी आदतों को छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बुरी आदत ये है कि आज का युवा पढ़ाई के समय में कुछ और करता है, और जब कुछ और करने की समय आती है तो पढ़ाई और दवाई दोनों करता है। और रात में जाग करके जब सारे लोग सो जाते हैं तो यूट्यूब खोल करके उस पे जो है नामर्दानगी को दूर करने के तमाम नुस्खे पढ़ते पढ़ते 4-5 बज जाता है, जिसके वजह से उसको अनिद्रा बेचैनी की भी समस्या बढ़ जाती है। तो आप ज़्यादा नुस्खों को ना पढ़ें। पहली चीज़ ये है कि मित्रों, किसी भी चीज़ को खाने से पहले वो प्रमाणित होना बहुत ज़रूरी है। मैं जिस दवा के बारे में बता रहा हूँ, उस दवा को बताने के लिए मुझे 7 साल तपस्या करना पड़ा। 5 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया, साल भर इंटर्नशिप किया, फिर लोगों से सीखा, उसके बाद में आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ। तो जो नुस्खा प्रयोग किए हैं जिसके वजह से आपका नामर्दानगी की समस्या और बढ़ गई और साइज में प्रॉब्लम आ गया, तो आप ये जाने तो क्या वो कोई रजिस्टर्ड आयुर्वेदाचार्य हैं या कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, ये आपका जानने का पूर्ण अधिकार है। फिर ही आप उस दवा को खाएं, प्रयोग करें, क्योंकि आप एक इंसान हैं, आपके ऊपर दवाइयों का एक्शन रिएक्शन होगा। आप कोई प्रयोग के लिए परखनली नहीं है कि कुछ भी डाल करके गर्म कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि सोने से पहले आप जो है अपने हाथ पैर धुले। गाजर का प्रयोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रखता है। आप गाजर अवश्य खाएं, भले ही आप 4 पीस ही खाएं, 2 पीस ही खाएं, लेकिन गाजर का प्रयोग करें। यदि आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो भोजन में थोड़ा आलू की मात्रा लें और जो है थोड़ा गुड़ जो है प्रयोग करें खाना खाने के बाद में। पानी जरूर पिए। सोने से पहले आप अपने हाथ पैरों को अवश्य ही धुल करके सुने। और अगर जो लोग विद्यार्थी हैं या कम उम्र के हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, अति अच्छी नहीं होती है। अगर जो आपका पढ़ाई का उम्र है और आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना पूरा ध्यान उसी पे रखें, और न शादी के बाद में भी जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस तरीके की बात कटु हो सकता है लेकिन सत्य है। आप उनसे पूछिए नामर्दानगी के बारे में, नपुंसकता के बारे में, जो दर दर भटक रहे हैं और ना जाने लाखों रुपए खर्च कर बैठे हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर जो कोई बात बुरी बोल दिया हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।